I'm so excited, Chitta. DLT अगर हमारे permanent client बन गए ना, it will be a big deal. Yep. I'm sure. All the best to us, baby. Thanks. अरे वाह, ये तो वही वाली शर्ट है ना कुलदीप, जो पिछले साल मैंने तुम्हें बर्थडे पे दिया था. आज भी तुम उतने ही हैंडसम लग रहे हो, है ना दीदी? बेबी, तुम्हें ना हेयर स्पा की जरूरत है, तो इस वीकेंड हम एलीट चलेंगे. मुंबई का बेस्ट सैलून है और सारे सेलिब्रिटीज वहीं आते हैं. बच्चे कहाँ हैं? बस आते ही होंगे. हाँ, वो कुलदीप, ऋषि का ना एक फैमिली प्रोजेक्ट है, हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट, उसमें तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी. प्लीज, तुम्हें याद है जैसे वो लास्ट हॉलिडे हिमाचल गए थे हम सब एक साथ, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने, जहाँ पूरे 6 दिन क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, एक दूसरे का कैसे ध्यान रखा, वो सारा प्रोजेक्ट में लिखना था और हम सब ने कितना इंजॉय किया था. बस वैसा ही एक प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दो प्लीज. ऑफ कोर्स. वैसे ऋषि है कहाँ पर? मैं बात करूंगा उससे, बताऊंगा उसे कि उसे क्या क्या करना है, और शाम को घर लौटते ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा. थैंक यू. अब बेबी, वी आर ऑलरेडी लेट. अब ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट पैक कर लेते हैं, ऑफिस में कर लेंगे. अरे बच्चे आ गए. हे माय प्रिंसेस. हे ऋषि, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग प्रिंसेस. चड्डा, वी आर गेटिंग लेट और मीटिंग से पहले कॉमन डिस्कशन हो जाना चाहिए. कम ऑन, वी डोंट हैव टाइम. मैं तुम्हें फोन करवा देती हूँ ऋषि से. दैट इज ओके, तुम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना. ऋषि बेटा, कॉल मी. एक्चुअली इट्स अ वेरी हेक्टिक डे. अब आई डोंट थिंक सो कि हमें एक मिनट की भी फुर्सत मिलेगी बेबी, बैक टू बैक मीटिंग्स है. तो शुभ्रा, तुम्हें ऋषि की हेल्प कर देना. Come on. दीदी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं हैप्पी फैमिली की प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ. दीदी, फैमिली मतलब तो मम्मा और पापा, आई मीन मैं और कुलदीप, है ना? ऋषि को तो पापा की जरूरत होगी ना. अब पापा अपने बच्चों को कैसे खुश रखते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब तो कुलदीप ही बता सकते हैं ना. अब दीदी, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ सब कर दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी. अगर कुलदीप बात कर ले तो आज ही हमारा हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. चले. यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कुलदीप, अब तुम्हारी सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली का पार्ट नहीं है. फोन पे बात करता हूँ ऋषि. आई सो वॉन्ट टू कम या, बट यू नो माई बॉस ना, वो कभी छुट्टी नहीं देंगी. ऑफिस आती हो या अपने बॉयफ्रेंड से चैट करने आती हो? आई वांट दैट प्रेजेंटेशन टू बी रेडी बाय टुमारो. हो जाएगा. ये देखो, कोई भी कहीं भी घूम रहा है जैसे कि गार्डन में वॉक के लिए निकले हूं. कोई सोशल मीडिया पर लगा है तो कोई फोन में गेम्स खेल रहा है. ऑफिस को मजाक बनाकर रखा है. मुझे सबके सब अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए.
सबसे पहले अपने फोन स्विच ऑफ कीजिए, और जिसका भी फोन ऑन होगा ही और शी विल बी फायर्ड। सबके फोन ले लो क्विकली। पर मैम कोई जरूरी कॉल आए तो? ऑफिस के काम के लिए जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप सबके लैपटॉप्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप में से किसी के लिए ऑफिस से ज्यादा कुछ और जरूरी है तो वो ये जॉब छोड़कर जा सकता है। इस कंपनी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक से सोए नहीं क्या? और इज इट वर्क? नॉट वर्क, मैं ऋषि के बारे में सोच रहा था। आई एम फीलिंग वेरी बैड सैम। मैं अपने बच्चों को 2 मिनट का वक्त नहीं दे पाया। नॉट फेयर टू हिम। तुम्हें उसका प्रोजेक्ट देखना चाहिए था। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि काम के चक्कर में अपने बच्चों को कितना निग्लेक्ट कर रहा हूं मैं। और उसने कितनी समझदारी दिखाई। और तुम नहीं दिखा रहे हो। ऐसा सबके साथ होता है कुलदीप। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। सो डोंट बी एन इमोशनल फूल। और वैसे भी तुम सिर्फ टाइम ही तो नहीं दे पा रहे हो ना, बाकी सब चीजें तो पहले से ज्यादा मिल रही हैं। बच्चों को टाइम देना जरूरी है सर। कैसे देते तुम टाइम? था तुम्हारे पास कल टाइम? क्या तुम स्कूल के एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े क्लाइंट को हाथ से जाने देते? Look, I know, but... Come on, कुलदीप, शुभ्रा दे रही है ना बच्चों को टाइम, पर क्या शुभ्रा वो दे सकती है जो तुम दे रहे हो? नहीं ना। अगर तुम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डालते, उनकी फीस नहीं दे पाते, तो शुभ्रा के टाइम की क्या वैल्यू होती? जीरो। वो तो है, मैं बात शुभ्रा की नहीं अपनी जिम्मेदारियों की कर रहा हूं। जिम्मेदारी नहीं, गिल्ट। शुभ्रा तुम्हें जानबूझकर ये महसूस करवा रही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना बच्चों के साथ वो गलत है। यू आर अ बैड डैड। यस कुलदीप, मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो बहुत जल्दी है तुमसे, क्योंकि खुद तो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर वो कुछ नहीं कर सकी, ना ही खुद के लिए और ना ही अपने बच्चों के लिए। इसलिए हमेशा से उसने तुम्हें इस ट्रैप में फंसा कर रखा, और आज भी यही कर रही है, और इस बार अपने बच्चों को हथियार बना रही है वो। शुभ्रा ऐसा क्यों करेगी? डोंट टेक मी रॉन्ग चट्टा, तुम्हें अलर्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ोगे ना, बहुत जलने वाले पैदा हो जाएंगे, और इसमें घर वाले भी पीछे नहीं रहते, यहां तक कि बीवी भी। ट्रस्ट मी कुलदीप, मैंने ये सब कई बार होते हुए देखा है, और ये भी एक रीजन है कि मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। तुम भी इस ट्रैप में कभी मत फंसना। तुम में बहुत पोटेंशियल है चट्टा, और कल जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारे पोटेंशियल का 1% भी नहीं था। और मैं तुम्हें इस कंपनी की नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की टॉप पोजीशन पर देखना चाहती हूँ।
थैंक यू, तुमसे बात करके मन का बोझ उतर गया। यू नो, मैंने डिसाइड कर लिया अब हर रोज डिनर से पहले एक घंटा मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा, उसके बाद ही डिनर करूंगा। What's it? Sounds nice. यार, I love them too much. वक्त तो देना पड़ेगा, हाँ? मैं चेंज करके आता हूँ। क्या सोच रही है? हो जा शुरू। बीजी, क्या करूँ? करूं कि नहीं करूं, छोड़ दूं क्या? अरे हाय, मेरी गरीब गाय सी बहू बड़ी स्मार्ट हो गई है। बीजी, स्मार्ट नहीं हुई हूँ मैं, ले तो आई लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ, बीजी कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कम ज्यादा का हिसाब होता है इस घर में, हैं? तेरा पति छीन के बैठी है वो, इससे ज्यादा क्या होगा बेटा? अब तो तू जो भी करेगी ना कम ही होगा। हाँ बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन बीजी, मैंने कभी बचपन में भी इस तरह की शरारत नहीं की, क्या करूं? इसीलिए तो अब मौका दिया है रब ने। घर गृहस्थी अपने आप नहीं चलती, चलानी पड़ती है, दांत से पकड़ कर रखना होता है हर एक रिश्ता। रिश्तों को संभाले रखने के लिए कभी नर्म तो कभी सख्त बनना पड़ता है। इतना सख्त बीजी? ये देख, लड़ाई औरतों को ज्यादा लड़नी पड़ती है, इसीलिए शायद भगवान ने औरतों को तन से नाजुक बनाया हो लेकिन मन से बहुत मजबूत बनाया है, मर्दों से ज्यादा। सहने की शक्ति ज्यादा, वक्त आने पर लड़ने की हिम्मत ज्यादा। तुम्हें इसी हिम्मत को जगाए रखना है पुत्र। जी बीजी, आपको पता है 12 साल में मैं कई बार सोचती थी कि शायद किसी दिन तो आप मान जाएंगे, कभी तो मुझे आपसे मां जैसा प्यार मिलेगा, कभी तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपकी सेवा करूं। बोले रब ने सूद समेत मौका दिया है। अब देख, कभी अगर तेरा मन डगमगाने लगे ना तो बस अपनी बेटी के बारे में सोचो। अरे, लोगों की टांग खींचना अपना धर्म समझती है वो। बाप रे बाप बीजी, उसको तो मैंने कस कर रखा हुआ है, अगर एक बार वो शुरू हो गई ना तो समायरा कुलदीप को क्या, अपना खुद का घर छोड़कर भाग जाएगी। बस 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 बस, बस तुझे यही करना है पुत्र, थोड़ी देर के लिए असली मायने में अपनी शैतान बेटी की मां बन जा। पर मेरी बहू। बस बेटा, ये साबित कर दे कि शुभ्रा से पंगा नेवर चंगा। Tell them clearly कि एक दिन में इतने ही मेलर दे पाएंगे। I'm
शुभ्रा को अभी कॉल करो और उसे कहो कि बच्चों को ले जाए यहाँ से, प्लीज। एक सेकेंड। नो नो नो, नॉट शुभ्रा, रहने दो। ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ इन्हें लेकर। अब क्या करें, अब मैं ही घर चली जाती हूँ। मम्मा पापा चले गए? पापा तैयार होने गए हैं, तुम लोग भी नाश्ता कर लो जल्दी से, चलो चलो लेट्स गो। ओहो, मुझे लगा हम पापा के साथ नाश्ता करेंगे, इसलिए तो इतने जल्दी तैयार होके आ गए। हाँ तो कोई बात नहीं ऋषि, आज पापा की मीटिंग्स है, परेशान मत करना, और तू भी नहीं। पता है मम्मा, मैंने ना कल पापा को कैट वाइज स्टोरी सुनाई थी। अच्छा? He loved it, उन्होंने मुझे वेरी गुड दिया। आई हूँ, कल रात को ये फिर से फाइट कर रही थी। पापा के एक साइड पे मैं था और दूसरी साइड ये, फिर भी इसने ज्यादा स्पेस लिया। पनिशमेंट मिली ना, रात को सोते सोते बेड से गिर गई है। अच्छा। समयरा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ओपन द डोर। दीदी आप ठीक तो हैं? लगता है समयरा आंटी ने भी काजू भूत को देख लिया। अरे दिस इज बॉडी फिटिंग, एक भी ड्रेस लूज नहीं है। गॉड, नो 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 नो, माय फेस। अरे भगवान, कुलदीप मुझे बहुत चिंता हो रही है, पूछो ना क्या हुआ है। समहरा प्लीज ओपन द डोर, वी आर वॉरेड। नो जटम, मैं तुम्हें ये हॉरिबल फेस नहीं दिखा सकती अभी। अरे दीदी आप मुझे तो अंदर आने दीजिए, मैं बस आपकी हेल्प करूंगी और फिर चली जाऊंगी। दीदी दरवाजा खोलिए ना प्लीज। हाँ खोलिए ना दीदी। शुभ्रा सिर्फ तुम अंदर आना, कुलदीप बाहर रहना प्लीज। हाँ हाँ हाँ। फिर की आज दीदी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुला लिया? दीदी क्या हुआ? दीदी बाप रे, क्या हालत बना ली आपने? क्या करने बुलाती है? कि मेरे मेरे हाथ खुजा दो, मेरी मेरी पीठ खुजा दो। हाँ समयरा, समयरा रिलैक्स रिलैक्स, ओके प्लीज रिलैक्स, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, कहो तो मैं मीटिंग्स कैंसिल कर दूं। अब नो कुलदीप, प्लीज तुम पहले ही लेट हो, तुम जाओ ऑफिस, आई विल बी ओके। ओके ओके टेक केयर। आई दीदी आप ये पहन लीजिए, ये ठीक रहेगा, एकदम लूज है। प्लीज शुभ्रा, अरे कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ मुझे ऑफिस जाना है, ये पहन के जाऊंगी क्या? सो सॉरी दीदी। दीदी ये फिर की ये बीच ड्रेस है, अरे इतना खुला है, सबको लगेगा कि मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आओ मेरे रैशेस देखो।
गलत गलत कपड़े ले आती हूँ। दीदी ये वाला? नो, कोई बात। ये? नो। ये वाला? नो जुबरा नो। ये? अरे ये तो बहुत ही खुला खुला है। नो, ओके। दीदी ये? अरे वाह, ये दिखने में भी अच्छा। दीदी? नो। ये? दीदी ये खुला खुला सा है। अच्छा खुला तो दिखाना नहीं। ओहो। लाइट इन द स्काई कड़कड़ कड़कड़ करे ना कोई बड़बड़ बड़बड़ मचेगी अब हड़बड़ हड़बड़ जी हाँ ये जादू है जादू नहीं कोई गड़बड़ गड़बड़। एक्सक्यूज मी कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये तो मैडम मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ लेकिन मैं अभी सीधा हूँ तो उल्टा भी हो सकता हूँ और गोरा हूँ तो काला भी हो सकता हूँ और मैं अंदर बाहर कहीं भी जा सकता हूँ कभी भी। अंदर नहीं सीधा बाहर निकालूंगी। सीधे सीधे बोलो who the hell are you? मैं सॉरी सॉरी I'm just a magician like 1 2 का 2 2 into 5 5 into 10 and I'm sure आप हैं मिस रोली चड्डा राइट? Wrong. मैं हूँ रोली चड्डा और मैंने आपको बुलाया मजिशियन अंकल। कितनी प्यारी बच्ची है। पता है मैजिक ट्रिक्स देखने से ज्यादा लोगों को मैजिक ट्रिक्स फेल होते हुए दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ये पहली मैजिक ट्रिक रोली चड्ढा को पहचानने वाली फेल कर दी। लेकिन अब मैं जो मैजिक दिखाने जा रहा हूं इट्स अ कॉइन वेट मैजिक चलो कोई बात नहीं अब तुम्हें दूसरा मैजिक दिखाता हूं। क्या आप वो मैजिक कर सकते हैं जो मैं कहूंगी? क्या आप मेरे पापा की 3 कॉपीज बना सकते हैं? नहीं बेटा लेकिन मैं एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इसे गायब कर सकता हूँ। हाँ देखोगी बहुत मजा आएगा। मुझे और कुछ नहीं देखना अपने पापा के सिवाय। मेरे पापा इतने बिजी रहते हैं कि हमारे उठने से पहले ऑफिस चले जाते हैं और हम जब सो जाते हैं तब ऑफिस आते हैं। हम उनको देख ही नहीं पाते। यह मुंबई में पापा का बहुत बड़ा ऑफिस है और पापा बहुत हैप्पी हैं पर मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि अब पापा को यहाँ रहना पड़ रहा है। मुझे अपने मामा पापा और ऋषि भैया के साथ अपने पुणे वाले घर में रहना है। आप बताओ कि अब कैसे हो गए? आज पापा घर पे थे फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाई। पहले पापा इतना गुस्सा कभी नहीं करते थे पर अब बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं ना और वो हमारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर मुझे भी तो अपने पापा चाहिए ना। पापा अपनी प्रिंसेस को कभी नहीं डांटते थे। मैं अपने ये वाले पापा की प्रिंसेस नहीं हूँ अपने पुणे वाले पापा की प्रिंसेस हूँ। इसलिए मुझे अपने पापा की 3 कॉपीज चाहिए। एक पुणे वाले पापा जो ऋषि और मुझे बहुत प्यार कर
और एक कूल आंटी के लिए, ताकि हम अपने अपने पापा को लेकर वापस अपने घर चले जाएं, पूना। बोलो ना, आप मेरे पापा की 3 कॉपी बना सकते हैं? मुझे अपने पापा की इसलिए 3 कॉपी चाहिए, बोलो ना प्लीज। आप कर सकते हो ऐसा? बोलो ना प्लीज। पापा, मुझे अपने पुणे वाले पापा चाहिए। पापा प्लीज, मुझे अपने पुणे वाले पापा चाहिए। पापा। दीदी, आज तक फिरकी ने आपको बड़ी बहन समझ के आपके सारे काम किए हैं और आप भी हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं, पर अब हमसे नहीं हो पाएगा। दीदी, माना कि हम गरीब हैं, हम इस घर की नौकरानी हैं, पर क्या दीदी हमरी कोनो इज्जत नहीं है का? कम टू द पॉइंट। दीदी, आपने हमें हमेशा परिवार की तरह रखा, पर वो औरत जब से आई है ना, हमें एक मिनट तक भूलने नहीं देती कि हम इस घर की नौकरानी है। और हम अगर पानी पीने के लिए भी रुक जाए ना, तो हमें टोक देती है कि ये करो वो करो। दीदी, हम जानवर है का? हा? और तो और, आज खाने में का बनेगा? हम किस कमरे की सफाई करेंगे, किस कमरे की सफाई नहीं करेंगे, उस सब हमें वो औरत बताती है। अब आप बताओ, इस पूरे घर की मालकिन कौन है? आप कि वो औरत? और दीदी, हमने आपको एक बात नहीं बताई, पर वो वॉचमैन है ना, और वो दूध वाला, उन सबको लगने लगा है कि इस पूरे घर की मालकिन आप नहीं है, वो औरत है। हर बात पे टांग अड़ाती है वो। हमने उनको रोका तो हमें बोलने लगी कि वो हमें इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि चुप क्यों हो गई? बोलो। क्योंकि वो बहुत जल्द आपको भी इस घर से निकाल देंगे। इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो, कुछ नहीं सीखा मुझसे? इतनी डम स्टूपिड सी हाउसवाइफ है वो, तुम उसे तक नहीं संभाल पाती। याद रखो, समायरा की मेड भी बने उसकी उतनी भी औकात नहीं। और ये बात मैं उसे भी समझा दूंगी, वो भी बहुत अच्छी तरह। कल जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, तुम उनके कमरे में जाओगी। दीदी, तुम बस इतना करो, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगी। आई हैव वन मोर गेम टू प्ले। Proud of you. सबसे स्ट्रॉन्ग वही होता है जो मूव ऑन कर सकता है, और आगे बढ़ने के लिए ना अपना पास्ट पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और छोड़ने का मतलब है कट ऑफ, टोटल कट ऑफ। उसकी यादों को संभाल के रखना मतलब खुद को इमोशनल फूल बनाना। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ये बात समझते हो, इसीलिए तो शायद तुमने मुझे चुना और मैंने तुम्हें। आई
हमारी लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट ना खाली नहीं जाना चाहिए कुलदीप। वी मस्ट सेलिब्रेट। इस बार मैं तुम्हें सबसे रोमांटिक और सबसे लेविश डेट पर लेकर जाऊंगी, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें ऐसी औरत चाहिए थी जो तुम्हें खुले आसमान में उड़ने दे, तुम्हारे साथ उड़ान भरे, ना कि वो जो फैमिली के नाम पर तुम्हें दबा कर रखे।